Hey guys, welcome back to another episode. I guess आपने पहला वाला एपिसोड देखा होगा या फिर आप लोगों ने इस एपिसोड से देखना स्टार्ट किया रहेगा. तो अगर आपको याद नहीं है तो मैंने इस वाले बंदी को हरा दिया है, ये वाले बंदी को जिसका नाम कैटलिन था, कुछ तो ऐसा ही नाम था. लेकिन मैंने पोकेमोन को हील नहीं किया था. तो इससे पहले हम लोग देखेंगे मेरे किस पोकेमोन को हीलिंग की ज़रूरत है. मेरे क्राफ्टी को हीलिंग की ज़रूरत है थोड़ी सी. सो हम लोग यूज़ कर लेंगे हाइपर पोशन. मेरे पास बहुत सारे हाइपर पोशंस हैं तो एक यूज़ कर लूँगा तो क्या ही हो जाएगा ना गाइस. ओके चलो अभी हम लोग जाएंगे इस वाले को हराने के लिए. मैं ऐसे रैंडमली चूज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसको क्या करना है. बट या ओके चलो देखते हैं ये क्या है. ओके ये एक राइड की तरह है, एक काइंड ऑफ रोलर कोस्टर. लेट्स सी. कुछ भी बोलो यार, इस गेम में है ना, बाकी गेम्स के मतलब मैंने जितने भी NDS गेम्स खेले हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे बेस्ट समझता था हार्ड गोल्ड को. बस इस गेम में एक कमी है हार्ड गोल्ड से. हार्ड गोल्ड में अपना पोकेमोन अपना पीछा करता है. अगर इस गेम में वो ऐड कर देते हैं ना तो लिटरली ये गेम ब्रोकन हो जाता, लिटरली ब्रोकन हो जाता. अब तक मैंने बहुत सारे पोकेमोन के गेम्स खेले हैं, जहाँ तक मुझे इसको देख के लग रहा है. तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर एक रिंग है, काइंड ऑफ रिंग के अंदर आ चुका हूँ. तो आई गेस ये एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन जिमलेटर हो सकता है. सो मैं यूज़ करूँगा मेरे इस बैटल में आर्कियोप्स को. सो लेट्स गो, देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमोन है. ग्रीटिंग सैलेंजर, माय नेम इज़ मार्शल. इन ऑर्डर टू मास्टर द आर्ट ऑफ फाइटिंग आई एम ट्रेनिंग अंडर माय मेंटोर एल्डर. माय मेंटोर सीज योर पोटेंशियल एज अ ट्रेनर एंड इज टेकिंग एन इंटरेस्ट इन यू. इट इज़ माय इंटेंशन टू टेस्ट यू, टू टेक यू टू द लिमिट्स ऑफ योर स्ट्रेंथ. किया आई जो भी था वो. ओके मार्शल के साथ हमारी बैटल होने वाली है गाइज. इनके पास चार चार पोकेमोन क्यों है, पर ठीक है क्या ही कर सकते हैं. और मैं खुश हूँ बिकॉज मैंने इसके पोकेमोन के टाइप को गेस कर लिया था इसका सराउंडिंग देखकर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. लेवल में आई नो बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बट मैं क्या कर सकता हूँ. वन शॉट किल हो जाना चाहिए. ओके नाइस, और क्रिटिकल हिट लगी वैसे भी. एंड गाइज आप लोग सोच सकते हो कि मेरे पास फ्लाई हमला होने के बाद भी मैं एक्रोबैटिक्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ. तो उसके पीछे एक अलग रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ. एक्रोबैटिक्स एक ऐसा हमला है जिसका डैमेज बढ़ जाता है अगर आपके पोकेमोन के पास कोई हेल्ड आइटम नहीं होता. एंड आपको तो पता ही है मैंने मेरे एक्रोबैटिक्स मतलब मैंने मेरे क्या नाम है इस पोकेमोन का आर्कियोप्स को कोई भी हेल्ड आइटम दिया नहीं है. ओ डैम ये सर्वाइव कर गया. ओ इसकी एबिलिटी स्टर्डी होती है, मुझे नहीं पता था. एंड इसने यूज़ कर लिया स्टोन एज. ओके मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला है. ओके मेरे आर्कियोप्स का डैमेज आधा हो गया बिकॉज इसकी एबिलिटी इतनी खास है, क्या करें. ओके उसने यूज़ कर लिया फुल रिस्टोर एंड आई गेस मुझे भी कर लेना चाहिए था इसी टाइम पे. बट या कोई बात नहीं, आई गेस मैं फिर भी ट्राई कर सकता हूँ. होपफुली कितना डैमेज देते हैं, लेट्स सी. ओके फिर भी उतने डैमेज दिया आई गेस. फिर से इसकी स्टडी एबिलिटी बीच में आ गई, अदरवाइज मैं इसको ले लेता. ओके इसने एक और बार फुल रिस्टोर यूज़ कर लिया. ओके कोई नहीं है, इनके पास दो होते हैं. मैंने लिमिट चेक की थी कैटलिन के साथ बैटल के टाइम पे, उसने भी दो ही यूज़ किए थे. दैट मीन्स ये इसका आखिरी वाला होने वाला है. एंड आई गेस अभी मैं इसको हरा दूंगा, डोंट वरी. मेरे को लगा था, पता था काइंड ऑफ दो फुल रिस्टोर्स होते हैं ये सब एलीट फोर के पास. अभी आ रहा है कॉन्केल्डर, इसके लिए मैं पोकेमोन स्विच करूँगा बिकॉज मुझे मेरे पोकेमोन को हील करना पड़ेगा. सो कॉन्केल्डर को हराने के लिए आई गेस थोड़ा मैं यूज़ करूँगा हेक्सरस को आगे रखेंगे एंड फिर मैं हील कर लूँगा आर्कियोप्स को. फिर उसके बाद उसको स्वीप कर लेंगे काइंड ऑफ. एक्सरस तू मेरी थोड़ी हेल्प कर दे इस बैटल में, तो तेरे को थोड़ा सा डैमेज पड़ सकता है. बट ब्रो ट्रस्ट मी मैं तेरे को सीधा हटा दूंगा उस जगह से अगर तेरे को थोड़ा सा भी दिक्कत होगी तो. तेरे को फेंड तो होने नहीं दूंगा, डोंट वरी. मेरे को एक्चुअली HP रिकवर करनी है ना, तो हाइपर पोशन यूज़ कर लेता हूँ मैं हमारे आर्कियोप्स के ऊपर. ओके हैमर आर्म. और गाइज आप लोगों ने मेरे को बोला था कि हैमर आर्म एक ऐसा मूव है जो कि आप सिखा सकते हैं अपने पोकेमोन को. बट गाइज मैंने सर्च किया, ऐसा कोई मूव हम लोग नहीं सिखा सकते हमारे गेम में.
मुझे तो नहीं मिला एटलीस्ट, मैं तो बोल सकता हूँ ऐसा। फिलहाल तो मैं पोकेमोन को रिटर्न चेंज करूँगा। लेट्स यूज़ आर्कियोप्स अगेन। अगर ये फिर से मेरे सामने फाइटिंग टाइप मूव यूज़ करेगा तो होपफुली ओके। अरे यार फिर फ़ायदा ही क्या हुआ, खाली फुकट में आर्कियोप्स ने डैमेज लिया। बट ओके लेट्स सी हम लोग अभी इसको कितना डैमेज दे सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं देंगे जैसे मुझे लगा था। इसने दूसरी बार ओ इसने अटैक अवॉइड कर दिया, डैम नाइस। और इसकी फुल रिस्टोर ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर मेरा लक था, सही में लक था, अदरवाइज मेरा पोकेमॉन फ्रेंड हो जाता। ओके इसको मैंने हरा दिया है। ड्रैगन क्लॉ, ये ड्रैगन क्लॉ भी सीखता है, मुझे नहीं पता था। इसको मैं सिखाने के ट्राई तो करूँगा बट गाइज मेरे को मन नहीं कर रहा बिकॉज इसके पास काफ़ी अच्छे अच्छे अटैक्स हैं। तो और एक्चुअली हमारे पास एक ड्रैगन क्लॉ वाला पोकेमॉन ऑलरेडी करता है एग्जिस्ट, तो मैं इसको ए वेट 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 क्या कर रहा हूँ मैं, वेट कीप ओल्ड मूव्स ओके गिव अप ऑन ड्रैगन क्लॉ। यस ऑलरेडी मेरे पास पोकेमॉन है जो ड्रैगन क्लॉ यूज़ कर सकते हैं। एक मिनशू आ रहा है, मिनशू का आई गेस मेरे से स्पीड कम होगा बिकॉज ये एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन भी है। सो लेट्स गो यूज़ एक्रोबैटिक्स अगेन। और जी हाँ आर्कियोप्स का स्पीड ज़्यादा है, ये लिटरली बहुत ओपी पोकेमॉन है एक फ्लाइंग टाइप में। एंड आई गेस मैंने इसको हरा दिया है, मार्शल को हरा दिया मैंने, आई गेस इसके पोकेमॉन को हरा दिया मैंने। जी हाँ मैंने हरा दिया है। देर इज़ नो सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन, हाउ एवर आई थिंक अ हार्ट। अरे कितना फास्ट बोलते हो, दैट इज़ वाई आई रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू हैव क्या आई हैव वॉट वेल डन। एज योर बैटल्स कंटिन्यू एम फॉर इवन ग्रेटर हाइट्स। ओके थैंक यू ब्रो। ओके गाइज मैं एपिसोड एंड कर रहा हूँ, बाय बाय।